you <music> हेलो स्टूडेंट्स एम एन सी एजुकेशन वेलकम्स यू ऑल एम एन सी एजुकेशन में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है टुडे वी आर गोइंग टू डू परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस एंड इन कॉम्बिनेशंस वी आर गोइंग टू डू इन परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस वी आर गोइंग टू डू कॉम्बिनेशंस इसके बाद ये चैप्टर पूरा हो जाएगा जो कि चैप्टर सेवन क्लास इलेवेंथ का है ठीक है तो आइए हम देखते हैं कि कॉम्बिनेशंस है क्या जिस तरह से परम्यूटेशंस के बारे में हमने किया था तो परम्यूटेशंस क्या था परम्यूटेशंस जो है नंबर ऑफ़ वेज ऑफ अरेंजिंग द थिंग्स थे मतलब ऑब्जेक्ट्स कि हम कितने तरीके से डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को अरेंज कर सकते हैं वो परम्यूटेशंस होते थे इसके लिए हमने फिर फैक्टोरियल नोटेशन को इंट्रोड्यूस किया था और उसको यूज़ करके परम्यूटेशंस के लिए फॉर्मूला बनाया था ठीक है अब यहाँ पर कॉम्बिनेशंस हैं कॉम्बिनेशंस एक्चुअली है हमारे पास सेलेक्शंस सिलेक्शन Selection मतलब अगर आपके पास मान रखिए कि एन ऑब्जेक्ट्स हैं एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें से आप मान रखिए कि एन ऑब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर फैक्टोरियल नोटेशन इज नॉट नीडेड बट अभी लिख दिया यहाँ पर एक्चुअली एन ऑब्जेक्ट्स आपको दिए हुए हैं और एन ऑब्जेक्ट्स में से आर ऑब्जेक्ट्स अगर आप सेलेक्ट कर रहे हैं मतलब आर ऑब्जेक्ट्स ये डिस्टिंक्ट होने चाहिए डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स अगर हम आर ऑब्जेक्ट्स सेलेक्ट करते हैं आउट ऑफ एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स आर सेलेक्टेड देन द नंबर ऑफ वे जो हम गेट करेंगे वो होगा एन सी आर ये जो एन सी आर है इट हैज़ फॉर्मूला एन फैक्टोरियल बाय आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर होल फैक्टोरियल ठीक है अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या है कि ये तो नंबर ऑफ़ सिलेक्शन है अब मान रखिए कि आपके पास एन ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें से आपको आर ऑब्जेक्ट से, सेलेक्ट भी करने हैं और फिर अरेंज भी करना है तो आप बेसिकली उसको क्या लिखेंगे वो लिखेंगे आप एन सी आर इन टू आर फैक्टोरियल ये क्या है नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हैं ऑफ आर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स out of n distinct objects, ठीक है अब अगर आप इसको ध्यान से देखिए नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ आर डिस्टिंग ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट तो पहले हमने सेलेक्ट किया और फिर उनको हमने उतने फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर दिया ठीक है तो इस तरह से अगर ये देखें तो ये बेसिकली एन पी आर के बराबर हो जाता है तो मतलब ये हो गया कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ आर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स तो ये दोनों सेम ही चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं समझ में आई बात तो मतलब एन सी आर इन टू आर फैक्टोरियल विल ऑलवेज गिव अस एन पी आर नो प्रॉब्लम विद इट नाउ कम टू सम बेसिक्स देयर इट इज एन सी ए इज इक्वल टू एन सी बी अगर है हमारे पास तो हमने यहाँ पर एन सी आर को डिफाइन किया है वो है एन फैक्टोरियल बाय आर फैक्टोरियल इन टू एन माइनस आर होल फैक्टोरियल राइट तो यहाँ पर एन सी ए अगर हमें एन सी बी के बराबर दिया है तो हमें क्या क्या हो सकता है तो पहली बात तो ये देखिए कि एन एन के बराबर है तो ए बी के बराबर हो सकता है तो फर्स्ट तो ट्राइवियल है हमारे पास कि ये होना चाहिए अगर ये नहीं है तेन वी विल सी की और क्या पॉसिबिलिटी है या फिर हमारे पास एक और चीज होती है कि एन सी आर जो है ना वो एन सी एन माइनस आर के बराबर भी होता है ठीक है ये भी आप इसी फॉर्मूले से डेराइव कर सकते हो ये जो फॉर्मूला हमने डेराइव किया है आ, ये जो हम हमारे पास जो कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला है उससे एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर भी आता है ठीक है तो अगर हम वो लगा दें तो हमारे पास यहां पर ये यह आ जाएगा एन सी ए इज इक्वल टू एन सी एन माइनस बी हम लिख सकते हैं ठीक है अब ए अगर बी के बराबर है तब तो अच्छी बात है नहीं है बराबर तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एन माइनस बी के बराबर या फिर बी को इधर ले आइए तो ए प्लस बी इज इक्वल टू एन हो जाएगा समझ में आई बात तो इस तरह से हमारे पास दो ऑप्शन इस तरह से हो गए कि या तो ए जो है बी के बराबर हो जाए ये देखिए या फिर हमारे पास यहाँ पर अगर एन सी ए इज इक्वल टू एन सी एन माइनस बी है तो एन इज ए इज इक्वल टू एन माइनस बी के बराबर हो जाएगा ये दोनों क्योंकि ये दोनों बराबर है ठीक है समझ रहे हैं तो ए प्लस बी एन के बराबर हो जाएगा तो ये दोनों ही कंडीशंस आपके पास आ गए कि ए इज इक्वल टू बी हो जाए या फिर ए प्लस बी इज इक्वल टू एन हो जाए राइट नो प्रॉब्लम विद इट फिर यहाँ पर एनसीआर प्लस एन सी आर माइनस वन इज इक्वल टू एन प्लस वन सी आर है इसको हमें प्रूव करना है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है इसको लेटेस्ट प्रूव यहाँ पर क्या है कि एन फैक्टोरियल बाय आर फैक्टोरियल इन टू एन माइनस आर फैक्टोरियल लिखेंगे प्लस एन फैक्टोरियल लिखेंगे अपॉन आर माइनस वन फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल लिखेंगे ठीक है इतना समझ में आ गया अब अगर आप देखिए तो न्यूमरेटर में से आप एन फैक्टोरियल और डिनोमिनेटर में से इन दोनों में से आप आर माइनस वन फैक्टोरियल कॉमन ले सकते हैं और इन दोनों में से आप एन माइनस आर एन माइनस आर होल फैक्टोरियल कॉमन ले सकते हैं तो आपके पास जो बच रहा है वो है पहले वाले में क्या बचेगा वन क्योंकि एन फैक्टोरियल हम कॉमन ले चुके हैं आर फैक्टोरियल में से आर माइनस वन चला गया है तो यहाँ पर आर ही खाली कॉमन बचेगा एन माइनस आर फैक्टोरियल भी हमने कॉमन ले लिया है फिर यहाँ पर प्लस यहाँ ऊपर तो वन ही बचेगा क्योंकि एन फैक्टोरियल हमने ले N! कॉमन ले लिया है ठीक है एन फैक्टोरियल कॉमन ले लिया आर माइनस वन भी ले लिया है एन माइनस आर प्लस वन विल लेफ्ट देर यह समझ में आ गया होगा अब जो है यहाँ पर एन फैक्टोरियल है बाय आर माइनस वन फैक्टोरियल है एन माइनस आर होल फैक्टोरियल है और ये है एन प्लस आर एन माइनस आर प्लस वन प्लस आर बाय आर इंटू एन माइनस आर प्लस वन कोई प्रॉब्लम नहीं है अब ये माइनस आर और प्लस आर कैंसिल हो जाएगा तो आपका यहाँ एन प्लस वन बचेगा ठीक है तो इस तरह से एन फैक्टोरियल इन टू एन प्लस वन बचेगा एक अपॉन में आर माइनस वन फैक्टोरियल को जब आर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आर फैक्टोरियल हो जाएगा एन माइनस आर फैक्टोरियल को एन माइनस आर प्लस वन से अगर कराएंगे तो इट विल बी एन माइनस आर प्लस वन होल फैक्टोरियल और एन फैक्टोरियल एन प्लस वन से मल्टीप्लाई होकर एन प्लस वन होल फैक्टोरियल हो जाता है ठीक है अपोन में आर फैक्टोरियल है और ये है एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल कोई दिक्कत नहीं है तो क्या हम इसको एन प्लस वन सी आर नहीं लिख सकते बिल्कुल लिख सकते हैं तो ये हमारा प्रूव हो गया कि एन सी आर एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन इज इक्वल टू एन प्लस वन सी आर जो है बराबर होते हैं एन प्लस वन सी आर के बराबर होते हैं प्रूफ ठीक है आई होप ये प्रूफ भी आपको समझ में आ गया होगा अब चीजों को क्लियर करने के लिए कुछ प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर वन है अगर इफ एन सी नाइन इज इक्वल टू सी एट फाइंड एन सी सेवनटीन तो यहां पर अगर आप देखिए हमने अभी डिस्कस किया था कि सिंस एन सी एक्स इज इक्वल टू एन सी वाई इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू वाई और एन इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई राइट ये होता है तो यहाँ पर क्लियर है कि नाइन और एट आपस में बराबर नहीं है तो हमारा क्या होगा ये तो नहीं है यानि कि ये वाला लगेगा तो सिंस नाइन इज नॉट इक्वल टू एट देयर फोर एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा नाइन प्लस एट हो जाएगा जो कि सेवेंटीन है नौ एन सी सेवेंटीन इज इक्वल टू सेवेन्टीन सी सेवनटीन ये वन होता है ठीक है आप हमेशा ध्यान रखिए एन सी एन वन होगा एन सी जीरो वन होगा एन सी एन विल बी वन एन सी जीरो विल ऑल्सो बी वन ठीक है एन सी वन विल बी एन जबकि एन सी एन माइनस वन विल ऑल्सो बी एन ठीक है तो ये हमें आ, दो चीज़ें यूज़ होती हैं तो हम ध्यान रख लेते हैं कि एन सी एन जो है वन वही फिर एन सी ज़ीरो के बराबर होता है जबकि एन सी वन जो है एन के बराबर होता है और वही फिर एन सी एन माइनस वन के भी बराबर होता है क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं ये वर्ड प्रॉब्लम टाइप का है इसमें है कि अ कमिटी ऑफ थ्री पर्सन इज़ टू बी कंस्टिट्यूटेड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ टू मैन एंड थ्री वीमेन ठीक है तो हमारे पास यहाँ पर टू मैन है और थ्री वीमेन है इन हाउ मैनी वेज कैन दिस बी डन यहाँ पर है कि थ्री पर्सन सेलेक्ट करने हैं ठीक है अ कमिटी ऑफ थ्री पर्सन इज़ टू बी कंस्टिट्यूटेड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ टू मैन एंड थ्री वीमैन एंड नो अदर कंडीशन इज प्रोवाइडेड तो टोटल पर्सन्स कितने हो गए टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स हो गए टू प्लस थ्री यानी कि फाइव पर्सन्स टू बी सिलेक्टेड पर्सन्स टू बी सेलेक्टेड इज थ्री देयरफॉर नंबर ऑफ वेज जो होंगे वो क्या हो जाएंगे फाइव सी थ्री ठीक है तो यह आ गया फाइव फैक्टोरियल बाय थ्री फैक्टोरियल इंटू फाइव माइनस थ्री होल फैक्टोरियल तो यह आ गया फाइव इंटू फोर इंटू थ्री फैक्टोरियल ये थ्री फैक्टोरियल क्योंकि थ्री फैक्टोरियल तक ही खोला क्योंकि थ्री फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में था और ये जो टू फैक्टोरियल बन रहा है उसको टू इंटू वन लिख देंगे ये थ्री फैक्टोरियल कैंसिल कराइए टू से ये कैंसिल कराइए तो आपके पास टेन आंसर आ गया इसका कोई दिक्कत नहीं है यानी कि दस तरीके हैं जिससे कि जि जि जिसमें कि हम टू मैन एंड थ्री वीमेन में से थ्री पर्सन की कमिटी बना सकते हैं ठीक है हाउ मैनी ऑफ दीज कमिटीज वुड कंसिस्ट ऑफ वन मैन एंड टू वीमेन अब वन मैन अगर हमें सेलेक्ट करना है तो फॉर

तो यहाँ पर टू सी वन इज़ टू जबकि थ्री सी टू इज़ ऑल्सो थ्री तो यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा सिक्स हो जाएगा समझ में आ गई बात तो ये जो है सिक्स वेज या सिक्स कमिटीज ऐसी होंगी जिसमें कि वन मैन और टू वमेन होंगी जबकि टोटल कमिटीज जो है टेन फॉर्म होंगी समझ में आ गई बात कोई दिक्कत नहीं है आज का थर्ड क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का देखते हैं डिटरमाइन द नंबर ऑफ फाइव कार्ड कॉम्बिनेशंस आउट ऑफ आ डेक ऑफ फिफ्टी टू कार्ड इफ देर इज एक्सैक्टली वन एस इन एच कॉम्बिनेशन ठीक है फाइव कार्ड कॉम्बिनेशन है हमारे पास उनमें से आउट ऑफ आ डेट ऑफ फिफ्टी टू कार्ड फिफ्टी टू कार्ड्स ही होते हैं प्लेइंग कार्ड के पैक में इफ देर इज एक्जैक्टली वन एस इन एच कॉम्बिनेशन अब देखिए नंबर ऑफ एसेस कितने होते हैं नंबर ऑफ एसेस होते हैं फोर ठीक है हमें फाइव कार्ड कॉम्बिनेशन बनाना है जिसमें से एक एस तो है ही तो वन एस कैन बी सिलेक्टेड इन फोर सी वन वे ठीक है जबकि हमारे पास फाइव कार्ड कॉम्बिनेशन है तो एक कार्ड आया ना यहां पर एस के फॉर्म में बाकी चार कार्ड्स तो हमें लेने ही है पर चार कार्ड हमें नॉन उसमें से लेने हैं तो नॉन कार्ड्स कितने हैं नॉन कार्ड्स वो फोर्टी एट हो जाएंगे फोर कार्ड्स टू बी सेलेक्टेड एज नॉन एस्कार ठीक है देर फोर नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा 48C4 ठीक है अब 48C4 ये हो गया और 4C1 ये हो गया एस एक एस चाहिए और 48C4 हो गया कि चार नॉन एस कार्ड्स होंगे सो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज जो होंगे वो 48C4 इन टू फोर सी वन से आएगा ठीक है तो डू वी नीड टू सॉल्व इट तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है अनलेस कि उन्होंने कुछ नंबर दे के बोला है कि ये प्रूव कीजिए कि भाई इतना है नहीं तो फिर हम ये आंसर भी अगर छोड़ देते हैं तो हमें कंप्लीट मार्क्स मतलब पूरे मार्क्स फुल मार्क्स मिल जाएंगे ठीक है इस तरह से आज हमने परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस चैप्टर भी पूरा कर लिया विद दिस कॉम्बिनेशन सेक्शन ठीक है क्योंकि हमने फर्स्ट में जो है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग मतलब ये थर्ड वीडियो है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर का फर्स्ट वीडियो में हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कवर किया दूसरे में हमने परम्यूटेशंस फैक्टोरियल नोटेशन कवर किया और तीसरे में हमने कॉम्बिनेशन किया अब जो है आ, फॉर द टाइम बींग इट इज़ फिनिश्ड नाउ बट वाइल वी विल रिवाइज दिस चैप्टर तो हम जो है इसके क्वेश्चनस रेगुलरली uh, लेते रहेंगे क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर uh, है और ये पूछे जाते हैं पेपर में इनके क्वेश्चन जरूरी पूछे जाते हैं ज़रूरी आते हैं तो इसलिए हमें इनको इन uh, टच रहना ज़रूरी है तो हम ऐसा काम करेंगे कि हम इसमें टच में रहें तो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट सम न्यू चैप्टर एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस थैंक्स अ लॉट इन्जॉय यूर और बहुत अच्छी तैयारी कीजिए आप पेपर इज राउंड द कॉर्नर नाउ थैंक्स अ लॉट